मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले। ये इमोशनल सुपरहिट गाना साल 2001 में आई उस भारत विभाजन पर आधारित ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम का धागा है, जिसमें अदर कास्ट के अलावा दरमियान सिंह के साइड रोल में नजर आए अभिनेता ने अपने हंसमुख अंदाज से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर इस फिल्म को लोकप्रिय बनाया था। लेकिन दोस्तों, आज इस फिल्म को रिलीज हुए तो पूरे 22 साल हो चुके हैं, पर क्या आप जानते हैं कि दरमियान सिंह के जबरदस्त किरदार में काम करने वाले वो दमदार अभिनेता आज कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे दिखते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको उनके बदले हुए हालातों से रूबरू करवा कर इन सवालों के जवाब देते हैं। पर उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। फिल्म में दरमियान सिंह के खूबसूरत रोल को बड़े प्यार से निभाने वाले अभिनेता का असली नाम विवेक शॉक है, जिनका जन्म 21 जून 1963 को चंडीगढ़ इंडिया में हुआ था और वहीं से इनकी सारी पढ़ाई भी पूरी हुई थी। बात करें इनके अभिनय करियर की तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर और टेलीविजन से की थी, जहां पर इन्हें पहली बार दूरदर्शन के फ्लॉप नाम के शो में देखा गया था। पर वहां से ज्यादा कामयाबी ना मिलने के चलते फिर इन्होंने अपना ध्यान पंजाबी और हिंदी फिल्मों पर केंद्रित किया था। लेकिन आपको बता दें, साल 1998 में आई फिल्म बरसात की रात से इन्होंने बॉलीवुड में फर्स्ट डेब्यू किया था, लेकिन इस फिल्म से भी इन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। पर जैसे ही इन्हें अगली फिल्म गदर एक प्रेम कथा मिली, वहीं से ये घर घर में खूब फेमस हो गए थे। जी हाँ, फिल्म में तारा सिंह की ढाल बने रहने के चलते हर घर में इनका नाम गूंजने लगा था। और इसके बाद तो किस्मत ने भी इनका इतना साथ दिया कि इन्हें माँ तुझे सलाम, अब के बरस और कोई मिल गया सहित 25 से भी ज्यादा फिल्में ऑफर हो गई थी। लेकिन अगर बात करें इनके बदले हुए रंग रूप की, तो जहाँ फिल्म में ये पैंट शर्ट और स्वेटर पहने, छोटी सी पगड़ी बांधे, ताड़ी मूछ के साथ मोटे तगड़े और ठीक ठाक नजर आए थे, वहीं आज ये हमारे बीच मौजूद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 3 जनवरी 2011 को दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया है, जो महज 47 साल की उम्र में इस दुनिया को और अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर चले गए हैं। इनके यूं अचानक चले जाने से पूरी दुनिया ने शोक जताया था, लेकिन आज भी ये लोगों के दिलों में बसते हैं, जिन्हें आखिरी बार हमने साल 2010 की फिल्म सदिया में देखा था। तो दोस्तों, क्या विवेक शॉक जैसे जबरदस्त सितारे को खोने का बुरा आपको भी लग रहा है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।